समझने के लिए शक्ति नहीं आती। चंदा में कोई को हिंदी नहीं आती, आती तो है। बाबा कहते हैं समझने में शक्ति मुझे नहीं आता, प्रैक्टिस करते करते हो जाए। माइंड में एक्चुअल बाबा को किस तरह याद करना चाहिए वही है। अपने बच्चे को कैसे याद करती हो, पूछती हो किसी से, हम अपने बच्चों को कैसे याद करें? कोई बच्चा अपने बाप के लिए पूछता है कि हम अपने बाप को कैसे याद करें? भगवान के लिए क्यों पूछते हैं? इसलिए पूछते हैं कि जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं। इधर खड़ा होना है हमको, इसलिए थोड़ा चढ़ गया। तो पूरी पहचान नहीं है तो फिर पूछते हैं बाबा को कैसे याद करें? अरे जिससे प्राप्ति होगी, जिससे प्यार होगा, जिससे सुख मिलता है वो याद नहीं आता है? वो याद आता है ना, चाहे कि याद ना आए तो भी याद आता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं, अभी बच्चे कहते हैं हमें याद भूल जाती है, हमें याद नहीं आता है, हमें बाबा का चेहरा भी भूल जाता है। लेकिन ऐसा भी टाइम आएगा कि एक समस्या हो जाएगी कि बाबा को भूले कैसे। जीवन में ऐसा जीवन भी नुदा हुआ है जहाँ सोते जागते चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर समय बाबा याद ही याद बना रहे। बोलते हैं भक्ति मार्ग से शंकर ने पर्वत पर अभी अमर कथा सुना और पार्वती सो गए और भुखारी पड़ता है तो मतलब क्या हो गया भुखारी पड़ता है पार्वती तो पहाड़ पर कथा सुनाई कैलाश पर्वत पर कार्थ क्या हुआ। अब एक एक प्रश्न एक बार पूछोगे तभी तो जवाब मिलेगा, सारे इकट्ठे पूछे। तो कैलाश पर्वत पर कथा सुनाई का मतलब क्या हुआ, ऊंची स्टेज में कथा सुनाई। कैसी ऊंची स्टेज? जहाँ सारी दुनिया मुर्दा है, कैलाश एक दो लाशें नहीं है, सब लाश बनी पड़ी है, सब मुर्दे हुए पड़े, सब पीछे जी मर गए, किसी को दुनिया याद नहीं आती। जो जिंदा होगा उसको दुनिया याद आएगी, मर गया दुनिया से, आप मुए मर गए दुनिया। तो ऐसी स्टेज जब दुनिया की बन जाती है या जिन बच्चों की बन जाती है, जिन ब्राह्मणों की बन जाती है, ब्राह्मणों की ऐसी दुनिया का संप्रदाय तैयार हो जाता है, ऐसे बच्चों के बीच में कैलाश पर्वत पर अर्थात ऊंची स्टेज में बाप बैठ करके ज्ञान सुनाते हैं, अमर कथा सुनाते हैं। और वो अमर कथा पार्वती पूरी नहीं सुन पाती, क्या कुछ न कुछ नींद का झुटका आ जाता है। तुम सब पार्वतियां हो, किसी को छोड़ दिया है? किसी को नहीं छोड़ा। तुम सब पार्वतियां हो इसका मतलब किसी को छोड़ा नहीं, सब को झुटके आते हैं थोड़े बहुत, माने ज्ञान को मिस करते हैं। झुटका आना माने ज्ञान को मिस कर देते। ज्ञान का सागर तो एक ही है, बाकी जो भी पार्वतियां हैं उनको ज्ञान का सागर
नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि कुछ न कुछ ज्ञान के पॉइंट्स मिस कर देते हैं। बाप तो पूरा ही ज्ञान सुनाते हैं, कुछ छोड़ते नहीं हैं, अपने पास कुछ रख लेते हैं क्या? नहीं, नहीं? सारा ही सुनाते हैं, लेकिन बच्चे फिर नंबर बार सुनते हैं, समझते हैं और दान करते हैं। इसलिए दिखाया कि पार्वती सो गई। चलो पार्वती तो सो गई, लेकिन हुंकारी कौन भरता रहा? कबूतर हुंकारी भरता रहा। तो ब्राह्मणों की दुनिया में देखो ऐसे कबूतर कौन है जो शिव के मंदिर में तो दिखाए जाते हैं, रहते भी हैं वहां घोंसला बना करके। शिव के मंदिर में वहीं रहेंगे, घोंसला बना के रहेंगे और फिर वहीं से टप टप गंध करते रहेंगे। किसके ऊपर? शिवलिंग के ऊपर। माना ग्लानी करते हैं या महिमा करते हैं? ग्लानी करते हैं। ऐसे ब्राह्मण जो कबूतर बुद्धि है वो हूँ का मतलब क्या हुआ? हम ही हम हैं, बाकी दुनिया में कोई भगवान नहीं है। शिवो हम, ब्रह्मा का काम करने वाले हम हैं, हम करेंगे स्थापना नई दुनिया की। हम ही भगवान हैं, हम नई दुनिया बनाएंगे और कोई बनाने वाला नहीं है। ऐसे हुंकार भरते रहते तो कबूतर हुंकार भरता है। भगवान क्या समझते हैं? भगवान समझते हैं ये हुंकार पार्वती की है। तो ये कथा बनाई हुई है, ब्राह्मणों की दुनिया की यादगारें हैं। और उसमें तोता भी दिखाते हैं। हाँ, तोता भी बीच में पहुंच जाते हैं। ये एडवांस में जितने हैं वो सब तोते की तरह वहाँ गए, थोड़ा समय सुना, सदा काल तो नहीं सुना, भाग आए और पियो 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 चारों तरफ दुनिया में आवाज कर दी। सारी दुनिया में भगवान के ज्ञान की पहचान देने वाले बेसिक ब्राह्मण बनेंगे जो 70 साल से प्रदर्शन करते चले आ रहे हैं, ज्ञान का पंप एंड शो करते चले आ रहे हैं, या एडवांस में चलने वाले ब्राह्मण बच्चे करेंगे? जो ब्राह्मण बच्चे जिन्होंने बाप को पहचाना है, देखा है, जाना है, अनुभव किया है, वो ही बाप की पहचान सारी दुनिया को देंगे। उनका बुद्धियोग टिकेगा। जिन्होंने देखा ही नहीं, जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं, भगवान माना तो किसको माना? ब्रह्मा को मान लिया। अरे ब्रह्मा तो शरीर छोड़ गया, भगवान तो कहते हैं मैं तुम बच्चों को साथ लेके जाऊंगा, अब ब्रह्मा पहले ही छोड़ के चला गया तो भगवान का रूप हुआ है? उसको गीता का भगवान कहेंगे? नहीं कहेंगे। अधी के चार हाथ से खबी है। बोल जाओ पूरी बात तुम, उसके बाद हम पूछ लेंगे। तो कहला से खबी थी वह चार हाथ अधी के रहती तो ठीक न लगती। जिसम के चार हाथ क्यों दिखाए? जिसम के चार हाथ क्यों दिखाए? जो हाथ है, नए नए बच्चे आए हैं ना, इसलिए पूरी मुरली तो सुनी नहीं है। चार हाथ इसलिए दिखाए हैं, फिर रावण को भी 20 हाथ दिखाए जाते हैं। हाथ दिखाते हैं ना, और हमको भी 2 हाथ है। हाथ का मतलब होता है सहयोगी। जैसे किसी का भाई शरीर छोड़ देता है तो कहते हैं हमारा भाई, चलो बता, हमारी दाहिनी भुजा टूट गई। तो भुजा को मददगार कहा जाता है। तो भगवान के कार्य में भी चार आत्माएं विशेष विशेष भुजा के रूप में मददगार बनती हैं।
और एक जैसी मददगार नहीं है चारों भुजाएं, कोई भुजा लेफ्टिस्ट पार्ट बजाती है, कोई भुजा राइटिस्ट पार्ट बजाती है, कोई भुजा नीचे का पार्ट बजाती है, कोई भुजा ऊपर का पार्ट बजाती है। चार प्रकार की भुजाएं हैं मददगार बनने वाली आत्माएं, चार हैं और एक है उन भुजाओं को चलाने वाला। तो टोटल कितनी आत्माएं हुई? पांच आत्माएं हुई। राम वाली आत्मा वो हो गई चलाने वाली, और कृष्ण वाली आत्मा, राधा वाली आत्मा, लक्ष्मी बनने वाली आत्मा और जगदम्बा बनने वाली आत्मा, ये चार भुजाएं हो गई। चार भुजाओं के चार आयुध दिखाए गए हैं, चार प्रकार के अस्त्र हैं, जिन अस्त्रों में वो माहिर हैं। जैसे युधिष्ठिर को क्या दिखाते हैं, कौन सा अस्त्र ज्यादा अच्छा चलाता था? भाला। कहते हैं युधिष्ठिर भाला चलाने में माहिर था, भीम गदा चलाने में माहिर था, अर्जुन बाण चलाने में माहिर था। ऐसे ही चार आयुध जो है उन चार आत्माओं की विशेष विशेष स्पेशलिटी दिखाई गई है। अब समझ में आ गया विष्णु को चार भुजाएं क्यों दिखाते हैं? हाँ हाँ, ये संयोग में जो श्रुति होता है ये भक्ति मार्ग में शास्त्र बनता है, ये बात ठीक है? हाँ ठीक है। भक्ति मार्ग में जो शास्त्र लिखे हुए हैं उसका संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं, संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं शास्त्र, संस्कृत भाषा में। क्यों संस्कृत भाषा पहले आई या संस्कृत से भी पहले प्राकृत पाली और वेद वेदवाणी थी, वैदिक भाषा थी? संस्कृत तो बाद में आई है। क्या संस्कृत में जो शास्त्र लिखे गए हैं वो वेदों की व्याख्या बाद में की गई है। पहले ब्राह्मण लिखे गए, आरण्यक लिखे गए, उन वेदों की व्याख्या अनेक प्रकारों से हुई, बाद में फिर ये संस्कृत आई है। आज से 1200 वर्ष पहले, 1400 वर्ष पहले उस प्राकृत भाषा को, पाली भाषा को सुधारा गया, व्याकरण का रूप दिया गया। जैसे सुनो, जैसे ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, भक्ति मार्ग में क्या दिखाते हैं? ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली, तो जो मुरली निकली है वो मुरली सुधरा हुआ ज्ञान है या अनसुधरेला ज्ञान है? मुरली समझ में आती रही? मुरली जो तुमने सुनी बेसिक ज्ञान में, सालों सुनते रहे, पढ़ते गए, सुनाते गए, सुनते गए, वो समझ में आई तो उसे सुधरी हुई भाषा कहे कि अनसुधरेली कहे? अनसुधरेली थी। कोई बोले और समझ में आए ही नहीं तो सुधरी हुई भाषा थोड़ा ही है। अभी एडवांस में एक एक शब्द, एक एक अक्षर भी उसका अर्थ है। अगर मुरली में बोला उनका तो अर्थ दूसरा, और मुरली में बोला उसका तो अर्थ दूसरा। बाबा एक मुरली में बोले थे भी और जो जुगल माता है उस दोनों पहिया पर चलते हैं, और विधवा जो है तो बाबा के साथ उसको साथ बाबा है ना, वो भी जुगल माता हो गया, जुगल हो गया, वो भी हो गया जुगल। और जो एकल माता है, एकल माता जो चलते हैं बाबा के, एकल माता क्या? सिंगल 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 माने उसको साथ जुगल नहीं चलते, उसका झोल नहीं चलते, ध्यान में है, ध्यान में है। बाबा को पहचान लिया?
नहीं उसको जुगल नहीं पहचाना और माता लोग है और कुछ जो माता जिसका पति शरीर छोड़ गया और ज्ञान में नहीं है नहीं। वो तो ब्राह्मण ही नहीं है उसकी तो बात ही मत करो नहीं जो अति है जो जिंदा है इसको लिए हाँ जिंदा है लेकिन ज्ञान में है नहीं ज्ञान में भी नहीं है नहीं तो उसकी बात क्यों कर रही है नहीं बाबा मुरली में एक बोला है बाबा क्या बोला जो जुगल माता जो चलते हैं दोनों पति पत्नी हाँ? तो उसको तो दोनों पहिया बराबर चलते हैं हाँ? और जो माता विधवा है उसको साथ बाबा है उसको पति और जिसका पति ज्ञान में नहीं चलते वो माता चलते है भाई जिसको भाई चलते है उसको माता नहीं चलते तो उसको सिंगल है तो उसको क्या क्या होगा क्या होगा जो ज्ञान में ही नहीं है उनका क्या होगा सत्यानाश होगा जो माता लोग है माता जो हाँ माता लोग की ही बात कर रहे हैं जो माता ज्ञान में ही नहीं है मुरली मुझे बोला हाँ हाँ जो माता ज्ञान में ही नहीं है और ज्ञान में ही होगी नहीं तो सत्यानाश होगा या कुछ अच्छा होगा नहीं, तो दुनिया में जो भी ज्ञान नहीं ले रहे हैं वो अकेले चल रही ज्ञान में माता भी अकेले चल रही है अकेले चल रही तो ज्ञान में है जी अच्छा ज्ञान में है और हाँ भले ज्ञान में नहीं अभी ज्ञान में है ना माता जी पति ज्ञान में नहीं चल रहा है इसलिए वो माता तो ज्ञान में है तो जो माता ज्ञान में है और अज्ञानी पति मिल गया सुनो अज्ञानी पति मिल गया तो जैसा भी पति मिल गया उसके साथ एग्रीमेंट तो किया है शादी किया कि नहीं किए तो एग्रीमेंट को तोड़ना है क्या नहीं, नहीं उसके साथ निभाओ उसके साथ मन से वाचा से कर्मेंद्रियों से सहयोग दो असहयोग आंदोलन क्यों करते हो दुनिया वाले असहयोग आंदोलन कर देते बोला था युगल माता जी चलते हैं तो पति पत्नी के साथ और बाबा साथ विधवा माता को तो ठीक है और ये माता बहुत ही भाई चलते ज्ञान में उसको उसका भाई ज्ञान में नहीं चलता है पति ज्ञान में नहीं चलता पत्नी ज्ञान में चलती है तो भी जो ज्ञान में चलती है माता उसको वरदान दिया हुआ है एडवांस में कि तुम्हारा पति भी एक दिन ज्ञान में जरूर चलेगा तो उसको अलग कर उसके साथ निभाना नहीं है निभाना तो पड़ेगा जो जो अपने जीवन लौकिक जीवन में धोखेबाज होगा निभाने वाला नहीं होगा एग्रीमेंट तोड़ने वाला होगा तो अलौकिक जीवन में अच्छा बन जाएगा उसकी तो प्रैक्टिस पड़ गई धोखा देने की इसलिए हम लौकिक में भी तोड़ निभाएंगे और अलौकिक में भी तोड़ निभाएंगे माता को तो वरदान मिला है माता को तो वरदान मिला है जो माता ज्ञान में चलती है उनका पति अवश्य ज्ञान में आएगा पति अकेले की बात नहीं की आप ज्ञान में चलते हैं आपको भी वरदान में मिला हुआ है आप एडवांस में आ गए आपको भी वरदान मिला हुआ है कि आपकी पत्नी आज ज्ञान में भले नहीं चलती है लेकिन उसको भी कल ज्ञान में चलना पड़ेगा पत्नी तो ज्ञान में चलना पड़ेगा अच्छा बच्चे भी चलेंगे पूरा परिवार माँ बाप चलेंगे माँ बाप भी खून के हैं वो भी परिवार है वो भी ज्ञान में चलेंगे अगर जिंदा रहे तो बुजुर्ग हैं कहीं से होने वाले हैं तो अगले जन्म में चलेंगे और विष्णु भगवान होते हैं अरे रुको रुको विष्णु भगवान है हाँ जी बता उनको गला में जो भूषण है हाँ। विष्णु को ढेर सारे आभूषण दिखाए गए शंकर जी तो नमो मुनंगे कोई आभूषण नहीं इसका मतलब ये है शंकर है निर्गुण ताट बजाने वाला कोई गुण नहीं उसके गुण को कोई देख नहीं सकते क्या गुप्त गुण है वो गुण किसी को देखने में आते नहीं है आज देखने में आते हैं और कल फिर निश्चय बुद्धि हो जाते हैं क्या आज गुण देखने में आते हैं कल अवगुण देखने में आ जाते हैं सुनने में आ जाते हैं लेकिन विष्णु
विष्णु को ढेर सारे आभूषण दिखाएगा, वो आभूषण गुणों के हैं। और जो मालाएं पड़ी हुई है वो भी आभूषण है। हाँ, उन्होंने ऐसा संगठन तैयार है उनके साथ, शंकर जी के साथ सदा काल का कोई साथ देने वाला होता ही नहीं। आज साथ ही दिखाई पड़ेगा, कल विरोधी बन जाएगा। तो आभूषण शंकर को नहीं दिखाए जाते, विष्णु को आभूषण माने दिव्य गुणों का श्रृंगार दिखाया गया। बात सर्व व्यापी नहीं है तो कैसे सिद्ध करेंगे? एक व्यापी बता दो कि एक कौन सा है जिसमें व्यापी है, वो सिद्ध कर दो। तुम्हें तो पता चल गया कि एक कौन है, वो एक कौन है जिसमें बाप व्यापी बन के पार्ट बजाता है, वो कौन है तुम्हें पता चला कि नहीं? हाँ, अरे शंकर हो जो भी हो, तुमको पता चल गया वो एक कौन है? तुमको पता चला कि नहीं? बस चला तो उसको तुम साबित कर दो दूसरों को, ये एक व्यापी इसमें है और कोई में एक व्यापी नहीं है, तो सर्वव्यापी अपने आप कट जाएगा। ब्रह्मा कुमार कुमारी दुनिया को सुनाते हैं भगवान सर्वव्यापी नहीं है, भगवान सर्वव्यापी नहीं है। दुनिया मान रही है नहीं मान रही? आपको पता चल गया क्या कि एक व्यापी है? तो वो ये तो सुनाते हैं दुनिया वालों को भगवान सर्वव्यापी नहीं, लेकिन ये नहीं बताते कि एक व्यापी कहाँ है। वो बोलते हैं चली गए तो गुलजारदादी में आते। हाँ, तो दो व्यापी हो गया ना, और गुलजारदादी को भी कैंसर हो गया, वो भी कल खत्म होने वाली, फिर क्या होगा? तो तीन व्यापी हो जाए। और गुलजार दादी से भी ऊपर बैठी कुमार का दादी, वो जब बुलाती है ब्रह्मा बाबा को तब गुलजार दादी और भगवान आते हैं, उनके भगवान नहीं बुलाते हैं तो नहीं आते हैं। तो आओ जाओ, जिसके बुलाने से आ जाए और भेज देने से चला जाए, तो आने वाला जाने वाला ऊंचा हुआ या बुलाने वाला और भेजने वाला ऊंचा हुआ? है? तो कुमार का दादी ऊंची हुई या गुलजार दादी ऊंची हुई? गुलजार दादी में जब प्रवेशता होती है तो आर्डर कौन देता है? कुमार का दादी आर्डर देती। अभी तो कुमार का दादी भी नहीं। हमारे ज्ञान में हमारे बेटा बेटी चलते कि न चलते समझाइए। बाबा ने ये एडवांस में आने वालों को खास वरदान दिया हुआ है कि तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा, तुम पक्की बनी रहो तो क्या? हाँ, तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। आज लड़ने वाले भी कल ज्ञान में आएंगे। हैं? आज जो परिवार में है और अज्ञान में लड़ाई करते हैं वो भी ज्ञान में आएंगे। अगर तुम्हारे परिवार के हैं, तुम्हारे खून के हैं तो ज्ञान में आएंगे। अभी लड़ते हैं तो भी आएंगे, लड़ते हैं ग्लानिंग करते हैं वो भी ज्ञान में आएंगे। क्यों? खासियत क्या है उनमें? खासियत ये है कि ब्रह्मा कुमार कुमारी तुम्हारे परिवार के बने, ब्राह्मण परिवार के बने ना, उन्हें जब पता चल गया कि तुम एडवांस ज्ञान में चले गए, शंकर पार्टी में चले गए, तो तुमको धक्का दे दिया। तुम्हारे परिवार वाले तुमको धक्का दे रहे हैं, तो फिर इसलिए वो ज्ञान में आ जाएगा। भले ऊपर से कुछ भी करें, लेकिन अंदर से तुम्हारे प्रति परिवार वालों को प्यार है, स्नेह है, और उनको तो स्नेह है ही नहीं। हमारा माँ नहीं है, हमारा माँ तो जगदम्बा है। आगे ब्रह्मा का शोक जगदम्बा में प्रकट करता है, है? इसका अर्थ गुलजार दादी में भी ब्रह्मा का शोक प्रकट करता है, करता है। क्या गुलजार दादी जगदम्बा है क्या? नहीं, गुलजार दादी में जो प्रवेश करता है वो सूक्ष्म शरीर धारी अधूरी आत्मा प्रवेश करती है, तो दिखाई देता है क्या? और गुलजार दादी में जब प्रवेश करते हैं तो गुलजार दादी सब भूल जाती है, कुछ भी उनको याद नहीं रहता है। और जगदम्बा को
जगदम्बा को ब्रह्मा प्रवेश करे तो भी याद रहता है, और शिव रुद्रमाला के मणकों में शिव प्रवेश करता है कि नहीं, और जगदम्बा तो रुद्रमाला का मणका भी है तो उसमें शिव प्रवेश करता है तो भी उसे अपनी स्मृति रहती है। दोनों ही सूक्ष्म हल्की स्टेज में प्रवेश करते हैं, संपन्न स्टेज में, इसलिए जगदम्बा में और गुलजार में तो बहुत अंतर है। गुलजार तो वो आत्मा साबित होती है जो सातवां नारायण है, उसकी सहयोगी साबित होती है, और जगदम्बा तो सारे जगत की अम्बा है, उसमें तो पहला नारायण प्रवेश करता है। कौन? ब्रह्मा की सोल। तुम सब बच्चों में प्रवेश कर सकती है, बाप दादा तुम बच्चों में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन कोई बच्चा शिव के लिए ये नहीं कह सकता कि मेरे अंदर शिव का प्रवेश है, वो सिर्फ एक में ही साबित होगा, औरों में साबित नहीं हो सकता। जब डोम के घर के घाट में चले गए तो चंडाल के यहाँ चले गए, चंडाल के तो वहाँ पर जाकर विश्वामित्र जी का चंद्र, तुम तो चंडाल में मुर्घटिया में आए हो, तुम लौट कर अपने राजधानी में चलो और अपने सत्यता को तोड़ दो, अपने झूठ सत्य को छोड़ दो और अपना राजधानी पर राज में चलो। किसने कहा? विश्वामित्र जी। तो राजा हरचंद्र बोला नहीं, इस पाप मुर्दा से दुनिया नहीं है, यहाँ पर ज्योतिर्लिंग रखा था इसको। इनका प्रश्न समझा किसी ने? राजा हरिश्चंद्र की कहानी बता रहे हैं। कहानी तो बता रही, वो हमने सुना, लेकिन इनका प्रश्न क्या है? अरे हम तो आपसे यही पूछ रहे हैं, ये क्या पूछना चाहते हैं? आप क्या पूछना चाहते हैं वो समझ में नहीं आया किसी को? मुझे राजा हरिश्चंद्र जब वो अपने लाज पर छोड़ कर दान में दे दिया विश्वामित्र को, तो जब उसको दक्षिणा देने के लिए नहीं बचा तो अपना शरीर भी पत्नी भी बेटा को देख कर दक्षिणा दे दी, और दक्षिणा देकर तभी विश्वामित्र जी उस मरघट में गया, और कहते राजा हरिश्चंद्र अपने इस सब चीज को सत्यता को छोड़ दो और घर चलो, लौट कर राजधानी में चलो। तभी राजा हरिश्चंद्र बोला नहीं, मेरा यही मरघट में अछा लगता है, मैं अपने सत्यता को नहीं छोड़ूंगा। विश्वामित्र ने वहाँ पर राजा ही लौटाना चाहा लेकिन नहीं, उसने नहीं लिया सत्यता का। तो वहाँ पर एक शिवलिंग था और कहता इस मरघट का दुनिया नहीं है, मेरा यहाँ पर भगवान है, इसका अर्थ मैं वहाँ पर एक शिवलिंग का वो था बाबा। अरे सत्य हरिश्चंद्र को क्या प्यारा था? शिव प्यारा, शिव नहीं प्यारा, सत्य प्यारा, सत्य प्यारा। और सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, वो ही कल्याणकारी है, तो नहीं छोड़ा उसे, क्या बड़ी बात है, सत्य को क्यों छोड़े, सत्य ही तो हमारा धर्म है, उसका नाम ही है सनातन धर्म, सत्य सनातन धर्म, सच्चाई को क्यों छोड़ना चाहिए? सच्चाई को छोड़ दिया माने भगवान को छोड़ दिया, भगवान को सच्चाई प्रिय है, सच्चे बच्चे प्रिय हैं, झूठे बच्चे प्रिय नहीं है, सच प्रसिद्ध प्रिय है तो सचखंड की स्थापना करता है, झूठ प्रिय नहीं है तो झूठ खंड का विनाश कर देता है। हरिश्चंद्र कोई दूसरी आत्मा थोड़े ही है। जो सत्यनारायण है वही हरिश्चंद्र है। भक्ति मार्ग में कहते हैं अंजलि जो कहते थे कि राम नाम कुछ काम नहीं, हरि के भजने मरी, गुरु के भजने नरक में पड़ी, ये कर भज लेते हैं। उनकी बात पूरी समझ में आ गई? लेकिन ये क्या कहना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? अंजनी हनुमान की माता कही जाती है। राम नाम काम नहीं,
हरि के भरी ले मरना पड़ता है मरी गुरु की भरी ले नरक में पड़ी केकर के भरी ले तय हरि के भरी मरना पड़ता है गुरु का भाई नरक में पड़ी गुरु के आपसे सही बात बताती गुरु जब पड़ गई बाबा से ही कहते हैं कि जो भी मनुष्य गुरु हैं वो सब नीचे गिराने वाले हैं और भगवान ऊंचा उठाने वाले हैं। भगवान का कोई नाम जपता रहे और भगवान के काम क्या है सो किसी की बुद्धि में आया नहीं तो नाम जपने से फायदा होगा नहीं। काम के आधार पर नाम पड़ता है। शास्त्रों में जितने भी नाम हैं किस आधार पर पड़े हैं? जैसा जैसा जितने काम किया वैसे वैसे उनके नाम पड़े। तो नाम बड़ी चीज नहीं है, भगवान ने आकर के जो काम किया है वो बड़ी बात है। वो काम को याद करो। भगवान का नाम भी किस आधार पर है? भगवान का रूप, भगवान के कर्तव्य है वो वर्णन करना चाहिए। बाबा शंकर के जो पाठ है ना वो सूक्ष्म शरीर एवं सूक्ष्म उत्तर में उसका भूमिका होता है कि नहीं? मूर्ति कहाँ से आ गई इस दुनिया में? दुनिया में सबसे जास्ती मूर्तियाँ नग्न मूर्तियाँ मिली हैं शंकर की या दूसरे देवताओं की मिली है? नग्न मूर्तियाँ शंकर की सबसे जास्ती मिली। तो मूर्तियाँ तभी आएंगी जब यहाँ कोई हुआ होगा चौराहे पर तिराहे पर शिवाजी की मूर्ति रखी रहती है, गांधी जी की मूर्ति रखी रहती है। तो कभी हुए हैं ना, तभी तो उनकी मूर्तियाँ रखी गई। ऐसे ही शंकर की मूर्ति दुनिया में सबसे जास्ती तादाद में मिल रही है। इससे क्या साबित होता है? जरूर कभी था या नहीं था? हवा में था, था प्रैक्टिकल में था। तो फरिश्ता का अर्थ ये नहीं है कि शरीर ही न हो। शरीर तो हो लेकिन मन बुद्धि शरीर में न धरी रहे, मन बुद्धि से सदैव ऊंची ऊंची स्टेज में उड़ता रहे, उसको कहेंगे फरिश्ता। असली फरिश्ता तो वही है फर्स्ट की दुनिया वालों से जिसका कोई रिश्ता न हो। इसका मतलब ये नहीं कि शरीर ही नहीं, जब शरीर ही नहीं तो रिश्ते की भी बात नहीं। रिश्ता शरीर के इंद्रियों के साथ होता है कि बिना इंद्रियों के साथ हो जाता है? इंद्रियां होती हैं तो रिश्ता होता है, इंद्रियां नहीं है तो रिश्ते भी नहीं। बाबा घर में तो कहे थी ना कि करे लागी पूजे उजे लागी था घर में जे बनी बाबा गारले है बाबा बोलते हैं से घर गोसाई को कहते एक के पूजने के लिए याद करने के लिए घर में है तो पूजते घर में गोसाई घर का रखा है माता लोग सब उनको पूजा पाठ करना है कि नहीं करना है वो पूछते हैं। तुम्हें प्राप्ति किससे होती है? तुमको जो प्राप्ति है वो किससे होती है ये बुद्धि में बैठा कि नहीं? बाप। तुम्हें ये पता चल गया कि हमें प्राप्ति जन्म जन्मांतर की एक बाप से होनी है, उन देवी देवताओं से जिनकी मूर्तियां मंदिरों में रखी हुई हैं, घर में रखी हुई हैं, उनसे प्राप्ति तो कुछ भी वो ही नहीं। तो फिर वो बात खत्म हो जाती है। बाकी भगवान मना नहीं करते हैं भक्ति करने के लिए। तुम ढेरों की पूजा करते रहो क्यों मना करेंगे हैं? पूजा करते करते जब तुम्हारी नाक घिस जाएगी, टिपर घिस जाएगी, हैं फकोले पड़ जाएंगे तो अपने आप भगवान को पहचानो। कोई ठोकरे खा खा करके भगवान को पहचानते हैं, कोई जल्दी पहचान लेते। जहाँ पर कोई पाठशाला नहीं है पढ़ने भी नहीं आते और पढ़ना भी नहीं आता है तो देखना तो आता है
देखना आता ही नहीं, देखना आता है तो बिजी भी ले आओ और देखते रहो देखते रहो देखते रहो हाँ देखते रहो मुरली पर कुछ कुछ बोलेगा वो सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। पक्षी होते हैं, पक्षी बोलते हैं कि नहीं? पक्षी बोलते हैं है? अरे पक्षी बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं। कोई कोई मनुष्य ऐसे होते हैं ये पक्षियों की भाषा समझ जाते हैं, समझते हैं कि नहीं? पक्षी अगर इस तरह बोलेगा तो आंधी आने वाली है, भाषा को समझा कि नहीं? तो प्रैक्टिस करने से पक्षियों की भाषा मनुष्यों ने समझ ली तो प्रैक्टिस करके भगवान की भाषा तो नहीं समझ जाएगी। बहुत सी माताएं कहती हैं हमने तो हिंदी कभी पढ़ी ही नहीं, हमें तो बाबा की मुरली ने हिंदी सिखा दी। प्यार होना चाहिए, बच्चा है करता है ना, बाप भाषा नहीं समझेगा बच्चे की, गांव वाले उस बच्चे की भाषा नहीं समझेंगे, माँ को तुरंत समझ में आ जाती। क्यों? क्योंकि प्यार है बच्चे से। तो आपको भी अगर भगवान से प्यार है तो बस बीसीडी देखते रहो, टीवी सुनते रहो, आ जाएगा अपने आप। बाबा ओ बाबा हाँ। हम लोग एडवांस में चल रहे हैं, मेरा भाई क्रिश्चियन में चल रहा है, कैसा होगा बाबा? आपका भाई काय में चल रहा है? क्रिश्चियन धर्म में। क्रिश्चियन धर्म में हाँ, तो क्या हुआ? तो वो मतलब इसमें आ सकता है कि नहीं? क्यों नहीं? जब भगवान तुम्हें वरदान दे रहा है कि तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा तो पति तो पहले है हमारा परिवार, वो क्यों नहीं आएगा? वो बहुत वो कर रहा है बाबा, मतलब भगवान के प्रति बहुत ग्लानी करता है या वा। ग्लानी चिपक जाती है क्या? ग्लानी करता है, गाली देता है, वो तुमको चिपक जाती है? जी नहीं, नहीं ज्ञान में आ गया तो मम्मी ब्राह्मण भी होते पूजा पाठ करते आदमी मरते ही कर्म करना भी कथा वार्ता करते हैं, दान धर्म करते हैं, तो अब करना पड़ा कि नहीं पड़ा? तुमको जब तक अच्छा लगे तब तक करो, मना नहीं है। ऐसे नहीं कि तुम वो भी छोड़ दो, और वो कर रही हो, भक्ति कर रही हो, दुनिया की जैसी भक्ति है वो कर रही हो, इसका मतलब वो ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठा, इसलिए भगवान कहते हैं भले तुम करो, अपनी भक्ति पूरी करो, जब भक्ति पूरी हो जाएगी तो ज्ञान बुद्धि में बैठ जाएगी, भगवान की पहचान हो जाएगी, भक्ति अपने आप छूट जाएगी। बाबा उनको कहना है ये था कि जो मर जाता है हम जो दान प्रदान करता है वही भक्ति है, वो करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? वही भक्ति है, वो तुम करो, तुम्हें अच्छा लगता है तो। भगवान भक्ति करने के लिए मना नहीं करते हैं। कोई मर जाता है तो अपने घर में खूब सेरवी करो, खूब ब्राह्मणों को बुला बुला के खिलाओ, चौथा करो, वर्सी करो, क्या जो भक्ति मार्ग में टंट घंट होते हैं वो सब करो, करते रहो करते रहो, भक्ति पूरी होगी तो तुमको भगवान की पहचान हो जाएगी, फिर पूछने की भी दरकार नहीं रहेगी। और बाबा बोलते हैं जैसे बोला क्या एक मुरली में बोला से भोला बाबा का भंडारा भरपूर आकार कंचन दूर, जैसे वाला क्या कहते हैं, और बरसा में जब अपनी बरसा में पैसा नहीं डालोगे तुमको भंडारा थोड़े भरपूर रहेगा, जैसे वाला जब बरसा में पैसा गिराते के लिए जब हम लोग एडवांस में आया तो बाबा मुरली में कहा कि गुरुमती को पैसा नहीं देना नहीं पाएंगे, उसी के लिए मैंने मैं लोग जितना भर्ती करता है जैसे कि मैं उसमें पैसा नहीं डालते हैं, वो कहते तुम सब भगवान को नहीं मानते हो, भगवान को नहीं पहचानते। उनसे पूछो जब ब्रह्मा बाबा मौजूद थे, जिंदा थे, मम्मा थी, उस समय भंडारी कोई लटकाता था? सिल्वर का कटोरा कोई लटका के रखता था? नहीं रखता था। इससे क्या साबित हुआ कि तुम भीख मांगने वाले बन गए? ब्रह्मा बाबा ने ये बात हमको नहीं सिखाई। वह पूछते उसे ब्रह्मा बाबा एक समय में भोग नहीं लगाते थे भंडारे में, तो कहते आदि बचपन से दादी लोग हैं तो ऐसा नहीं करते, आप अभी आप बोलते हैं भोग नहीं लगाना थे, इस न करना थे, नहीं करना। हमें तो भगवान मिल गया, हम तो भगवान के साथ बैठ करके खाते हैं, भोग लगाने की बात क्यों करें? भगवान नहीं कौन बात
हम लोग भक्ति करते हैं तो भगवान को तो नहीं सहयोग होता है, हम लोग नहीं करते हैं, तभी उसी लोग विरोधी करता है, तो हम कहते करने दो। मुरली का वो वाक्य उनको दिखा दो, उन्हीं की मुरली में भोग ध्यान दीदार टाइम वेस्ट करना है, वो नहीं पसंद करता है हम लोग का बात। तुम लोगों की बात कहाँ, वो तो मुरली की बात है। कहना तुम का तो अलग है, तुम बोलते क्या कि पटवाले तुम छोड़ दो। तो कहिए सुप्रीम कोर्ट में तुमको ले जाएंगे कान पकड़ के वहाँ से। भगवान समय बदलेंगे, समय खाएंगे, समय टालेंगे, समय के तय। भगवान मिल गए तो भला कथी सुनाओ, हम तो जानी पी गई थी तो सब कुछ मिल गए। भगवान मिल गया बाबा। अरे ये दो दो माताएं निकले नेपाली में भाई मेरे फिर चलिए ना अभी एक ही दिन से हमारा न मन पूरा नहीं भला सरलाई में आप चलिए हमारे घर बरथवा जहाँ जहाँ गीता पाठ कलाएं हैं गुड़कौली 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 हो चाहे शक्कर कौली हो जहाँ जहाँ गीता पाठ कलाएं बनी हैं क्या जहाँ जहाँ ब्राह्मणों का संगठन होगा वहाँ वहाँ बाबा एक बार जरूर आएंगे। अगर नहीं आएंगे तो गीता पाठशाला साबित ही नहीं होती। गीता पाठशाला में तो गीता ज्ञान देने वाला टीचर होना चाहिए ना, तो कम से कम एक बार आके पढ़ाई तो पढ़ाएगा, तो निश्चिंत रहो। बाबा पाठशाला में 18 विद्यार्थी हो गए और सब आपके प्रतीक्षा में रहते हैं, सब बाबा आकर के हमको मूर्ति सुनाएंगे। सरलाई की माता बोल रही है। सरलाई की माता ये बताए कि सरलाई में अकेले ज्ञान में चलते चलते कितना टाइम रही तुम? जी अब हमको तो 2-3 साल हो गए बाबा। 4 साल हो गए, 3-4 साल है। हाँ तो सुनो तो सुनो तो 3-4 साल हो गए, कोई निकला नहीं, निकला नहीं। हाँ तो आपको 3-4 साल लग सकते हैं, हाँ, है ना, हाँ। गांव वालों को निकालने में, अच्छा। गांव वालों को निकालने में बुलाने में 3-4 साल लग गए, तो भगवान को बुलाने में कितना टाइम लगेगा? और उसको तो 1 सेकंड लगना चाहिए, हमको तो लग गए 3-4 साल, बाबा को इतनी पड़ी। इसका मतलब 1 सेकंड में अगर लगना चाहिए तो 1 सेकंड में तो सारी दुनिया में सब गीता पाठशाला में घूम लेगा आने का काम। नहीं बाबा तभी सलाही में आपको आना है। ये सब माताएं वही की हैं, ये 18 माताएं बुलाने आई हैं आपको? नहीं 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 बाबा, हम आपको बता दिया अपने आप आए वो ज्यादा अच्छा, या खींच खींच करके गाड़ी ले जाए तो ज्यादा अच्छा। जो गाड़ी धक्का दे के चलाई जाती है वो अच्छी होती है, या जो गाड़ी अपने आप स्टार्ट हुई और चल पड़ी वो अच्छी होती है। आपको कौन सी गाड़ी चाहिए? अपने आप आए बाबा, देखो माता जी कहती है एक बार पधारी है दोबारा नहीं आ रही। सरलाई डंडा से कितनी दूर है? बहुत दूर है। पोखरा से कितनी दूर है? पोखरा से और भी दूर है। जापा और काठमांडू के बीच में है सरलाई। जनकपुर जाएगा, जनकपुर जाएगा, जनकपुर आपके लिए तो माता लोग कितना तरसती रहती है बाबा, आप तो मिलने खाती है। और वो माता जिसने निकाला है वो कितने साल तरसती रही तो भगवान तुमसे बदला नहीं लेगा। माता बाबा माता ज्ञान देने से पहले आप तो मेरे याद में आपसे मिलन मना लिया जी, तो गीत गाया करो तुम मेरे।
बाबा सतीक में जो लक्ष्मीनारायण की राधे चलती है उसमें जो नीचे वाले गद्दी है उसमें जो नारायण आते हैं हृदय में तो वो नारायण वाली आत्मा ऊपर से नम भिन्न भिन्न नाम से पाठ बजाते हुए अपनी गद्दी पर सेट होती है या परम नाम से डायरेक्ट आकर के अपने नंबर में सेट होती है जैसे आठवां नंबर नारायण है जो नारायण बनने वाली आत्मा है वो आधार मूर्त आत्मा है या बीज रूप आत्मा है आधार मूर्त जड़ है जड़े और बीज दोनों के बीच में ज्यादा पावरफुल कौन सा होता है बीज ज्यादा पावरफुल होता है पहले बीज बाद में हाँ बाद में जड़ तो ऐसे ही जैसे धर्म पिता है एक के बाद एक के बाद एक आते हैं और ऊपर से डायरेक्ट आते हैं ना ऊपर से आते हाँ तो वो संस्कार उन धर्म पिताओं ने कहाँ से सीखे जो बाद में आते हैं एक के बाद एक आते हैं इन्हीं नारायणों से सीखे ये नारायण भी ऊपर से डायरेक्ट आएंगे और उनके उतने जन्म कम हो जाएंगे जो आठवां नारायण है उसके कितने जन्म कम हो जाएंगे सात जन्म कम हो जाएंगे उनकी उनकी प्रजा के भी सात जन्म कम हो जाएंगे बाबा आठवां नंबर जो नारायण होते हैं ना वो फिर नवा गति जो तैताई में शुरू होता है तो उनकी गति सूर्यवंशी से चंद्रवंशी में चली जाती है उसमें क्या अभी सरंगमी में किस कर्म की विजय गति के कारण वहाँ ऐसा रिजल्ट होता है जो आठवें नंबर का नारायण होगा वो कौन से धर्म से कनेक्टेड होगा आर्य समाज वाले उनकी कुछ निशानियां हैं उनकी निशानियां ये है कि आर्य समाज वाले बहुत लिटरेचर छपाते हैं और बहुत तकसीम करते हैं है ना अब हमारे बेसिक ज्ञान में देखो कि जो जड़ों का पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं आधार मूर्त उनमें कौन सी आत्मा है जिसने लिटरेचर का काम सबसे ज्यादा किया है छपाने का और बांटने का और लिखने का उन्हीं को बताने दो मैं तुमका ही है किसने किया जगदीश चंद्र हसीजा ने किया तो जगदीश भाई जो है वो आर्य समाज के नारायण साबित हो जाते हैं दूसरा निशानी इस ज्ञान में सबसे जास्ती विरोध करने वाले कौन से देखे गए बेसिक नॉलेज में भी और एडवांस नॉलेज में भी कौन से धर्म वाले हैं जो सबसे जास्ती विरोध करते हैं आर्य समाजियों ने बहुत विरोध किया बेसिक नॉलेज में भी और एडवांस नॉलेज में भी वही आर्य समाजियों का जो आधार मूर्त है उसने एक एक ब्रह्मा कुमारी को बैठ करके ट्रेनिंग दी है कि एडवांस की बातों का इस तरह विरोध करो ट्रेनिंग स्कूल खोल के रखे गए उसके द्वारा तो जबरदस्त विरोध हुआ ना तो साबित हो जाती कौन सा नारायण साबित हुई आठवां नारायण साबित हुई तो जो आठवां नारायण साबित होता है आर्य समाज का वो नारायण जो है वो मस्ती ज्यादा मारता है मान मर्तबा ज्यादा कमाता है या कम कमाता है ज्यादा मान मर्तबा कमाता है जो ज्यादा मस्ती मारेगा ज्यादा मान मर्तबा कमाएगा वो असली काम करेगा या नहीं करेगा असली काम है भगवान के ज्ञान को जानना और भगवान को पहचानना और भगवान की पहचान दूसरों को देना उसने इसके जस्ट उल्टा किया या सुल्टा किया जस्ट उल्टा किया तो वो तो हवाई जहाज में आराम से घूमता रहा खूब मान मर्तबा लेता रहा जो काम करना था ब्राह्मण धर्म का ब्राह्मण का जो असली काम है भगवान को पहचानना और दूसरों को भगवान की पहचान देना वो काम तो किया किया ही नहीं और ही उल्टा किया तो फिर राजाई उसको मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए या खत्म हो जानी चाहिए उसकी राजाई खत्म आखिर राजाई उसकी नष्ट हो जाती है बेसिक में जितना उसने किया उतना उनको सातवें नारायण के रूप में मिल जाता है लेकिन ऐसा नारायण बनती है वो आत्मा
जैसे कि आज के आर्य समाजी गद्दी पे बैठे हुए हैं सरकार में। क्या कैसी गद्दी है उनकी? ज्यादा ज्यादा 5 साल की, अल्पकाल की। और दूसरे आज गद्दी पे बैठे हुए हैं, कल प्रजा में चले जाते हैं, क्योंकि वो प्रजा परिस्थ हैं। उन्हें प्रजा के वोट चाहिए या राजा बनने वाली होशियार होशियार आत्माएं चाहिए? उन्हें वोट चाहिए, उन्हें आत्माओं की कदर नहीं है। जो भारत का जहीन भर गए वो विदेशों में जा रहा है, उनकी कोई कदर नहीं। जो एकदम बुद्धू है ऐसे ऊंची ऊंची पोस्ट पर बैठ रहे हैं। तो आर्य समाजियों की ये स्थिति होती है क्या, कि जो कर्म करना चाहिए वो नहीं करते हैं, उसके उल्टा ही कर्म करते हैं। तो उनका भाग्य बनेगा या बिगड़ेगा? भाग्य बिगड़ता है। भाग्य बिगड़ता है माने उनके ऊपर ईश्वरीय लोन चढ़ रहा है या उतर रहा है? ईश्वरीय लोन चढ़ जाता है। राम वाली आत्मा जो कार्य करना है वो करती है, मनन चिंतन मंथन करती है ईश्वर के दिए हुए ज्ञान रत्नों का, और उस मनन चिंतन मंथन के आधार पर भगवान को पहचानती है और दूसरों को पहचान, ढेरों की ढेर आत्माएं भगवान को पहचानती है और दूसरों को परिचय देती है। तो जो असली काम करने का है वो राम वाली आत्मा ने कमाई की रत्नों की, और उन्होंने रत्नों की गवाही की, अपना मान मर्दबा कमा लिया, लेकिन जो रत्न लेने चाहिए वो नहीं ले पाए, तो कर्जा चढ़ गया ना। तो आठवां जो नारायण है वो सन 76 में अपनी राजाई ज्ञान रत्नों की खो देता है। लोग समझने लगते हैं ब्राह्मण परिवार में कि जगदीश भाई को कुछ ज्ञान नहीं है, और ये दीदी दादियां कुछ ज्ञान नहीं सुनाती हैं। असली ज्ञान तो हमें एडवांस में मिल रहा है, राम वाली आत्मा के द्वारा ज्ञान बाण मिल रहे हैं। वो कहते हैं कि तुम हमारी मुरली को चुराते हो। बेसिक में हम जब एडवांस में नहीं आता, एडवांस को ज्ञान नहीं मिला था, तो बेसिक में हम अभी जितना हमको बेसिक वाला पाठशाला में भाई लोग नहीं है और 8 माता लोग पहले हुए, तो उसमें माता लोग का बोरा मिलकर और बाबा को पाठशाला बनाने के लिए जमीन 10 दूर खरीदा था, और एडवांस ज्ञान मिल गया। तो मैं बेसिक वाले क्या बोलते हैं, एक भाई है और माता लोग समय को सब वो भाई क्या बोलते थे, ब्रह्मा कुमारी को में घर बनाकर और ब्रह्मा कुमारी को बैठाने के लिए, तो हम लोग सब पैसा मांगते, तो हम कहते बिना बाबा को ऑर्डर लिए मैं पैसा नहीं दूंगा। तो इसको आपको मर्जी है, तो आपको मर्जी है, आपको जो मर्जी होगा। अरे हम इतना भी क्यों कहें, तुम्हारी मर्जी है कि नहीं है? हमको मर्जी नहीं है, हमें पैसा हम कहें भी क्यों, तुम्हारी मर्जी है तो करो, ना मर्जी है तो मत करो। ये भी तो भीख मांगना हुआ, ये सारा देना हुआ। वो मांगते हैं, उन्हें मांगने वालों को मांगने दो, लेकिन ना हम चंदा करें, चंदा करना भी तो भीख मांगना होता है, ना हम चंदा करें ना हम किसी प्रकार की भीख मांगे। हमारा बाबा जब चाहेगा तो डंडा में भी मिनी मधुन खुल जाएगा। वो कर लगाते हैं, आप लोग का पैसा देना पड़ेगा ना, तो पाठशाला से आप पाठशाला छोड़ दीजिए। हम भीख मांगने वाले और डकैत नहीं है कि डकैत घर में घुस जाते हैं और डंडा मार मार करके पैसा निकालो जल्दी। देना पड़ेगा तो देना पड़ता ही नहीं, मेरा दिल नहीं जाता तो मैंने हमारा बाबा न तो भिखमंगा है, न बाबा के बच्चे भिखमंगा है, न हमारा बाबा चोर है, न बच्चे चोर है, न बाबा डकैत है, और न बच्चे डकैत है। हम किसी तरह की कोई जबरदस्ती नहीं करते। मैंने हमको अभी दिल नहीं जाता देने के लिए, तो नारायण भाई जी को कहा, भाई जी मेरे बाबा से फोन करा दीजिए, बाबा कहेगा तो देंगे ना। तो ले मेरे फोन आया से बाबा आ गया, हम फोन करने के लिए था। बेसिक पर जो बेसिक पाठशाला था वो पाठशाला में एडवांस से जो सभा स्थापना हो गया,
यो बचा लोग चार बच्चा एडवांस में चल गया चार लोग मैंने आधा झाड़ जो है हिल गया और आधा झाड़ एडवांस में आ गया वही 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 एडवांस पाठशाला में जो बेसिक वाला है ना वो आकर और अपना मुरली दावत देकर सुनाता है और इन लोगों को भड़काता है हटाता है और बेसिक को रखो उनको नहीं भाई जी क्या बोला से आपको मुरली नहीं देंगे तो हम मैंने बोला भाई जी आप ठीक है आप मुरली नहीं दीजिएगा तो मेरा बाबा तो आप दिल से नहीं चुरा ले लीजिएगा आप मुरली ठीक है नहीं दीजिए मैं जब बाबा तो मेरा दिल में है आप मुरली का उन्हीं की मुरली का वो वाक्य उनको दिखाइए जिसमें कहा वो मुरली उनको दिखाए जो माउंट आबू की छपी हुई है उस मुरली को दिखाएं और उसमें दिखाएं कि देखो इसमें ये लिखा है कि बाबा जो डायरेक्ट मुख से बोलते हैं वो है फर्स्ट क्लास मुरली और जो टेप रिकॉर्डर में सुनाई जाती है वो है सेकंड क्लास और जो कागज में पढ़ के सुनाई जाती है वो है थर्ड क्लास तो तुम तो थर्ड क्लास भगवान की भाई का बड़ा कम दिखाने के लिए कहते हैं तुमको चोरी करता है मुरली और छिप छिप तो क्यों हमको साथ नहीं बैठकर खाता है क्यों हमको साथ बैठकर मुरली नहीं सुनते हैं वो बोला बेसिक वाले तो हम कहते हमको बाबा को तो आपको बेसिक वाला दादी और दीदी सब मारकर पीट कर गलगा दिया तो कैसे आपको साथ बैठेगा तो भाई जी तो बोले तो भाई जी अब हमको बात सुनता ही नहीं कहते आपको ज्ञान हम नहीं मैं नहीं सुन जोर से बोलती है माता अगर तुम बोलो तो जोर से बोलेगी बाबा जी तो कति कमा पड़ती पानी में बैठ जाए बाबा उधर जाएंगे तो कहाँ बैठेंगे वहाँ डंडा में जाएंगे तरलाई जब जाएंगे तो कहाँ बैठेंगे क्यों बाबा को तो तीन पैर से भी चाहिए कहाँ बैठेंगे सारे लोग ज्ञान में निकले हुए हैं कितने निकले तरलाई कितने निकले माता जी का कभी ना है 20-22 भर्ती कर चुकी है यहाँ आई हुई है और बाकी आत्माएं भर्ती करने वाली हैं उनका कोर्स लगभग पूरा है हाँ तो बाबा को तीन पैर पर भी नहीं मिलेगी अरे क्यों माता ऐसे ही कह रही है बाबा तो कुछ चीजें तो मिली है अगर काठमांडू में घर न रहती है तो हम वही तो कहाँ पे बैठी रोड में तो बैठी और बाबा के तब से यहाँ आई हाँ त्यानी घुरकौली जानुहुन्छ के घुरकौली गएर बस्नु हुन्छ नि घुरकौलीमा त घर चाहिँ ठाउँ चाहिँ घुरकौलीमा छैन बाबा त मुर्ति त हारेर हारि आइछु तिमी पनि घर नबस्ती त बाबा कहाँ आफूहरूले आफ्नै लोगले एक रूम है बाबा तो बोलते हैं मुरली में बस एक रूम है किसी के पास एक कमरा है एक कमरा छोटा सा तो उसमें तू खाना बनाओ और खा लो उसको सफाई कर दो सफाई कर कर क्लास लगाओ क्लास लगा कर फिर हटा कर उसमें सो जा बाबा तो ये बोलते हैं पता तुम ले आप डंडा की माता है क्या हमको 3 महीना एडवांस ज्ञान मिल रहा है और चौथ से एडवांस सरलाई को यही माता जी लोन करता है चढ़ गया हाँ चढ़ गया उसी के कारण उसका बच्ची उसमें तंदुरुस्ती में ट्रांसफर हो गया 76 में ट्रांसफर कैसे हो गया ज्ञान जी 76 में ज्ञान बेसिक से एडवांस में कैसे ट्रांसफर हो गया तो प्रत्यक्ष हुए किसके द्वारा प्रत्यक्ष हुए जिसके द्वारा प्रत्यक्ष हुए उसने काम किया जी। और जिसने काम नहीं किया मान मर्तबा ज्यादा कमाने में लगा रहा ट्रांसफर हो गया ये वहाँ हो जाता और बाबा रामवाली आत्मा जब तेपाई में राठौर नारायण से जब गद्दी उनके तो वो रामवाली आत्मा गरीब होती है या साहूकार होती है दुनिया के नजरों में साहूकार होती है बाबा उस साहूकार नहीं प्रजा वर्ग में होती है प्रजा वर्ग में भी कोई साहूकार का बच्चा होती है तो रामवाली आत्मा उस टाइम स्त्री चले होती है पुरुष चले होती राम और सीता वाली जो आत्माएं हैं वो दोनों आत्माएं समान पुरुषार्थी हैं या असमान पुरुषार्थी है समान जब समान पुरुषार्थी है एक में प्योरिटी का पुरुषार्थ ज्यादा है
और एक में ज्ञान का पुरुषार्थ ज्यादा है ना। ज्ञान के बगैर प्योरिटी नहीं और प्योरिटी के बगैर ज्ञान नहीं, तो दोनों अंधे लंगड़े की कहानी है क्या? दोनों एक दूसरे से सहयोग से इस विषय वैतरणी नदी को, विषय सागर को पार कर जाते हैं। तो दोनों आत्माओं के संसार समान हो जाते हैं। उनको ये नहीं कह सकते कि नहीं ये राम की आत्मा है, नहीं ये सीता की आत्मा। बाबा तो कहते हैं सब सीताएं हो, तो सब सीताओं में क्या राम वाली आत्मा सीता नहीं है? उसके लिए है? राम वाली आत्मा भी तो सीता है, वो शिव है, पुरुष बन के आता है ऊपर से और किसमें प्रवेश करता है? राम वाली आत्मा में प्रवेश करता है। तो बीज डालता है ना, बीज डालने वाला ऊपर वाला है या नीचे वाला? ऊपर वाला बीज डालने वाला है, तो वो बाप हुआ ना है? वो पत्नी हो गई कौन? राम वाली आत्मा। तो ये नहीं कह सकते कि कौन पहले कौन बाद में, कौन राम कौन सीता, लेकिन वर्तमान के हिसाब से कहा जा सकता है। त्रेता युग का फर्स्ट जन्म ऊंचा नहीं है, कौन सा जन्म ऊंचा है? अरे संगम ऊंचा है। तो संगम युग में राम वाली आत्मा कौन साबित होती है? नारायण, नारायण वाली आत्मा, राम वाली आत्मा साबित होती है। और बाकी ये है कि सीता वाली आत्मा त्रेता के फर्स्ट जन्म में जाकर के राम बनेगी। और ब्रह्म बाबा का जो दर्शन आते हैं, तब गुजराती का शरीर पीला हो जाती है, कंपन आता है, और उनको उनको शरीर थक जाता है, उनको उतने घंटा आराम करना पड़ता है जितने घंटा प्रवेश ना रहती है। ब्रह्मा बाबा की आत्मा शंकर में भी कभी कभी आती है, शंकर में भी नहीं, शंकर में क्यों झटका होगा? ब्रह्मा की सोल राम वाली आत्मा के तन में आएगी। राम वाली आत्मा शंकर के तन में जब नहीं, राम वाली आत्मा में जब ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है, तो राम वाली आत्मा ज्यादा पावरफुल है या ब्रह्मा वाली आत्मा ज्यादा पावरफुल है? क्यों क्यों पावरफुल है? हाँ, एक तो शिव का प्रवेश है, दूसरी वो राम वाली आत्मा बीज रूप आत्मा है और ब्रह्मा आधार मूल है, जड़ है। तो ज्यादा ताकत राम वाली आत्मा में है, वो बीज रूप स्टेज में टिकने में परिपक्व है, इसलिए ब्रह्मा वाली सोल जब उसमें प्रवेश करती है, संग के रंग में आती है, तो उसकी भी अवस्था क्या हो जाती है? बीज रूप बन जाती है। इसलिए हल्की हो जाती है या भारी रहती है? जैसे शिव प्रवेश करता है ब्रह्मा में, तो शिव हल्का है या भारी है? हल्का है तो ब्रह्मा बाबा को पता ही नहीं चलता। और गुलजार राजी भी जब प्रवेशता होती है, तो सूक्ष्म शरीर हल्का होता है या बड़ा पावरफुल होता है? पावरफुल होता है, तो उनको झटका लगता है और बहुत तकलीफ होती है। इसलिए दो प्रकार की स्टेज है ब्रह्मा बाबा की, कभी सूक्ष्म शरीरधारी बनता है और कभी बीज रूप स्टेज बन जाती है राम वाली आत्मा के संसर्ग संपर्क में आने से। इसलिए ये अंतर होता है। और बाबा ये जो कलयुग की राजा है ना, ये सभी तो राजा ही कलयुग में राजा ही लेने के लिए राजयुग सीखना पड़ता है कि कलयुग में राजा कलयुग में राजाएं हुए हैं, द्वापर युग में राजाएं हुए हैं, उन राजाओं को कंट्रोलिंग पावर किसने सिखाई? कोई स्कूल था क्या? था कोई स्कूल? नहीं। अभी संगम युग में वो राजा बनने वाली आत्माएं राजा ही सीख रही, कोई सही तरीके से सीखती है और कोई गलत तरीके से सीखती है। जब श्रीवत के अनुकूल हम राजयोग सीखते हैं, तो हम सचिव त्रेता में राजा ही करेंगे, वो शूटिंग होती है। अगर श्रीमत के बर खिलाफ हम राजयोग सीखते हैं अपनी मनमत के आधार पर, तो द्वापर कलयुग में उसकी प्रारब्ध प्राप्त होगी।
सतयुग में कोई व्यवसाय नहीं होता है तो काम धंधा करना, पेट के धंधे करना किसी को पसंद है ब्राह्मणों में? नहीं, सब मस्ती मारना चाहते हैं या काम धंधे में नाकर करना चाहते हैं? आज के बड़े बड़े ऑफिसर वो क्लबों में मस्ती मारना ज्यादा पसंद करते हैं कि ऑफिस में बैठना पसंद करते हैं? क्लब में मस्ती मारना ज्यादा पसंद है। कोई भी आदमी काम धंधा करना पसंद नहीं करता। तब तो बाबा उधर कपड़ा भी नहीं पहनता होगा ना, व्यापार नहीं है, व्यवसाय नहीं। तुम्हें शरीर रूपी कपड़ा इतना बढ़िया मिल गया और ढेर सारे कपड़ों की जरूरत है। बाहर का जो कपड़ा होता है ना, हाँ, तो बहुत सुंदर होगा, होगा लेकिन हाँ उसमें बेकार तो नहीं होगा, नहीं होगा तो वही कपड़ा हो गया। इतना बढ़िया कपड़ा मिल गया, बेकार है तब मैं उनको कपड़ा लगाता हूँ, बेकार नहीं होता है तो। इतने सुंदर कपड़े होंगे कि दाढ़ी मूछ के कहीं कोई बाल ही नहीं होंगे, एकदम चिकना चिपड़ा कपड़ा होगा, फिर भी कपड़ा चाहिए। अब जैसे जैसे देवान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कपड़े भी तैयार होते जाएंगे। पहले नैसर्गिक प्राकृतिक कपड़े तैयार होंगे, ऐसे ऐसे पेड़ उगेंगे कि उनके तने में से ऐसे ऐसे निकालते जाओ भोज पत्र की तरह और साड़ी निकलती चली जाएगी, वो ही अपने लपेट ली। डार्विन ने बोला है कि हम सभी मनुष्य आत्मा का जो पूर्वज है वो तो बंदर है, तो बंदर को भी मानते हैं, लेकिन तो डार्विन की थ्योरी अभी वैज्ञानिकों ने झूठी साबित कर दी या सच्ची है? झूठी साबित हो गई। मनुष्य जो कुछ भी खोज कर रहा है, जो भी नई बात निकाल रहा है सच्ची के बारे में, वो सब झूठ। फिर भी बच्चों को क्यों पढ़ाए जाते हैं कि इस टाइम में डार्विन का जो थ्योरी है हाँ? वो अभी भी पढ़ाया जाता है जानकारी के लिए। बाबा गुजरात की 57 नंबर नारायण की सहयोगी बच्ची है, 8वां नंबर का हाँ। तो उनका भी वो अगले 7 जन्म कम हो जाते, कम नहीं होंगे तो फिर अगर हम एडवांस में जो भी बच्चे आपके सामने बाबा के सामने तो हम एक प्रूफ दें जी कि जगदम्बा माता 9 साल की थी 10 साल की और 4-5 साल की थी तब से बेसिक ज्ञान में चल रही थी, 9 साल से वो 14-15 साल की हुई है, 9 साल में एडवांस में आ गई थी, 14-15 साल की हुई तो बाबा की कनेक्शन में अच्छी तरह आ गई, एडवांस ज्ञान माँ के साथ सुनती थी, बेसिक में भी जाती थी, तो जब एडवांस ज्ञान निकल पड़ा 76 में तो उसकी माँ पुष्पा माता और वो जगदम्बा दोनों ही जाकर के पांडव भवन दिल्ली में गुलजार दादी को आधा घंटे का टाइम मांगा और उनको सुनाया, गुलजार दादी मान गई, कुर्सी पर बैठ करके उन्होंने सुना भी, ये दोनों माँ बेटी जमीन पर बैठे बैठे उन्हें सुनाते रहे आधा घंटा, तो क्या 10 मिनट भी पूरा नहीं हो पाया सुनाते सुनाते, और गुलजार दादी कह के मेरे सर दर्द करने लगा, अक्सर सुनूंगी ये क्या है? तो आत्मा कमजोर है या पावरफुल है? कमजोर आत्मा, कमजोर अगर बहुत कमजोर कोई है और उसको पावरफुल टॉनिक दे दिया जाए तो पचाएगा नहीं पचाएगा, वो कमजोर आत्मा है। तो गुजरात दादी के बैठने बाबा, अभी हम बाबा के सामने जो एडवांस के बच्चे बैठे हैं तो हम शुरू से आएंगे, सामने बैठने की बात नहीं है, सामने तो बहुत बैठते हैं जी। लेकिन सन्मुख बैठते हुए भी क्या सन्मुख है या अंदर से कहीं विमुख संकल्प तो नहीं चलते हैं? ये भी तो देखा जाए, अंदर बाहर दोनों से सन्मुख होने चाहिए या सिर्फ बाहर से देखने में सन्मुख बैठे हैं? हाँ अंदर से अच्छा अकेले में मिल जाए तो खुश कर दे तब पड़े हैं। हमारा जन्म शुरू से हो सकता है माने, तो तभी हो सकता है जब अंदर बाहर से जो ज्यादा सन्मुख होकर रहेंगे एडवांस में आने के बाद, वो ज्यादा ज्यादा समीप रहने की अनेक जन्म साथ रहने की शूटिंग कर रहे हैं। तो मतलब गुलजार दादी से भी हमारी ऊंची गति होती है। अरे गुलजार दादी 7 जन्म कम हो जाएंगे बाबा, ज्योतिष
से जो भी जगाते करो मेरे मन के गंगा बहाते चलो बाबा द्वापर से जितना भी धर्म गुरु आए थे वो सब क्या आधारभूत गड़ी में प्रवेश किए थे सर। जितना भी धर्म गुरु आए सभी जितनी भी आत्माएं ऊपर से आती हैं धर्म पिताए हैं और धर्म पिताओं के फॉलोअर्स जो भी आते हैं वो 33 करोड़ देवताओं में ही प्रवेश करते हैं और कोई धर्म वाले में प्रवेश नहीं करते हैं। हाँ ये है जितना ऊंचा धर्म पिता या धर्म को फॉलो करने वाला होगा अपने धर्म का पक्का होगा वो उतने ऊंचे देवता में प्रवेश करेगा। माना विदेशी धर्म पिताओं के बीच में विधर्मी धर्म पिताओं के बीच में जो सबसे पावरफुल होगा वो सेकंड नारायण में प्रवेश करेगा। उससे कम पावरफुल होगा तो थर्ड नारायण में प्रवेश करेगा। आठवें नंबर का धर्म पिता है महर्षि दयानंद तो कौन से नंबर में प्रवेश करेगा? आठ नंबर के नारायण में प्रवेश करेगा। अव्वल नंबर का धर्म पिता जो अल्लाह अव्वल दीन जिसकी प्रसिद्धि है कि अल्लाह ने आकर के अव्वल दीन स्थापन किया अल्लाह अव्वल दीन की कहानी है ना तो वो किस में प्रवेश करेगा? अव्वल नंबर के नारायण में प्रवेश करेगा। मेरे माँ ने बोला था सुभाषी कर कर और वहाँ पर सिलेंडर कर देंगे तो वहाँ पर सिलेंडर मेरे माँ हमको माँ बोले थे कि मैंने बाबा को घर जाएंगे और भाटी कर कर वहीं पर सिलेंडर होकर रखेंगे तो किसको रखेंगे? मेरे माँ को। आपकी माँ को जी। उनकी उम्र क्या है? 60 के बीच में देखा जाएगा। तो सब ठीक बात है देखा जाता है और विधवा है। हाँ विधवा है देखा जाता है कि जो भी आत्माएं ज्ञान में आ रही हैं चल रही हैं उनमें कौन सी रूहानी मिलिट्री में भर्ती करने योग्य है और कौन सी योग्य नहीं है। ये तो रूहानी मिलिट्री है ना तो मिलिट्री में ठोक बजा के देखा जाता है कि नहीं है। अगर चलती फिरती हैं शरीर उनका अच्छा सा काम करता है हैं बीमार धीमार ज्यादा नहीं पड़ती हैं तो बूढ़ी हैं तो भी कहेंगे अच्छा चलो कुर्सी में बैठे रहो बैत लेकर के कन्याओं के पीछे नजर रखो बहुत खुद मत कर ले अभी जो अपना बाबा अभी वो दलाई लामा में आधार मूर्त में प्रवेश किए हैं ना बाबा? नहीं सर कहोगे कि क्रिश्चियंस में जो पोप है अभी वो तो लास्ट नंबर का पोप है ना उसमें जो नारायण वल्ली बनने वाली आत्मा है तीसरे नंबर की वो प्रवेश करती है क्या? नहीं उसमें क्यों प्रवेश करेगी वो तो लास्ट नंबर का पोप है। अव्वल नंबर का होगा उसमें प्रवेश करेगी। अच्छा टाइम हो गया आप अकेला माता है ये सब इतनी ढेर सारी माता है जुगल नहीं है तो क्या हुआ विधवा है ओकरा मतलब जुगल छोड़ी आए वो थोड़ी ज्ञान में नहीं चल रही है तो उसकी शादी करना पड़े क्या? छोरी की शादी करनी पड़े तो वो नहीं कराएंगे और वो इधर उधर चारों तरफ घूम रही है कंट्रोल में नहीं आती है दोबारा मुंह काला कर देगी इसे उसकी शादी कर दो अगर वो चाहती है। बाकी कुमारों की शादी क्यों करना पड़े? हमें तो जाओ अपना कमाओ खाओ शादी करो कुछ भी करो गेट आउट। बाबा